हेलो स्टूडेंट्स, रेशियो प्रोपोर्शन के हम अपने चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल वन में दिया हुआ है, मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन्स आर इन रेशियो 4:5। दो पर्सन्स की जो मंथली इनकम है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 4:5, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 7:9। उनका मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 7:9। इफ ईच सेव ₹50 पर मंथ, और हर आदमी कितना रुपये सेव करता है, ₹50 पर मंथ सेव करता है, फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम हमें फाइंड करनी है। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन आर इन रेशियो 4:5। इनकम का जो रेशियो है वो 4:5 दिया हुआ है, इसलिए हम इनकम को अज्यूम कर लेंगे 4x एंड 5x, यानी कि फर्स्ट पर्सन की जो इनकम है वो 4x हो गई एंड सेकेंड पर्सन की जो इनकम है वो क्या होगी, 5x, राइट। अब ये क्या कह रहा है, उनके ईच सेव्स रुपीज़ 50 पर मंथ, हर आदमी 50 रुपीज़ पर मंथ सेव करता है, राइट। यानी कि इस आदमी की इनकम कितनी थी, 4x, इस पर्सन की इनकम जो है वो 4x है और 50 रुपीज़ उसने बचाए। सो 4x में से अगर 50 रुपीज़ माइनस कर दिया जाए, यानी कि बाकी के सारे पैसे उसने एक्सपेंडिचर किया, सारे रुपीज़ उसने खर्च किए हैं। सो 4x माइनस 5x उसके एक्सपेंडिचर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पर्सन की जो इनकम है वो 5x है, यानी कि अगर हम 5x माइनस 50 रुपीज़ करें, ये उसका एक्सपेंडिचर होगा। अब इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन टू एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन, ये आ गया 4x माइनस 5 अपॉन दिस। फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको हमने लिख लिया है, क्योंकि आपको पता है कि रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड ये रेशियो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:9, इसलिए हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, 7:9 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, सो इट इज 4x into 9x, दैट इज 36x, माइनस 9 टू दिस 450 इज इक्वल टू, ये टर्म जो डिनोमिनेटर में है 7 से मल्टीप्लाई होगी, 35x माइनस 350, करेक्ट, ओके। अब हमें x फाइंड करना है, सो दिस इज 36, दिस इज 35, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, 36x माइनस 35x इज इक्वल टू 450, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे 450 को, सो इट विल बिकम पॉजिटिव, सो 450 माइनस दिस इज 350, राइट। सो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 36x माइनस 35x, दैट इज x, विच इज इक्वल टू 100, x हमारा 100 आ गया, राइट। x के आने से हमें क्या फ़ायदा होगा, जो फर्स्ट पर्सन की इनकम है वो क्या है, 4x, सो फर्स्ट पर्सन की इनकम होगी 4 into x, दैट इज 400, सेकेंड पर्सन की जो इनकम है वो क्या हो गई, 500। हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में देखते हैं ज़रा, फाइंड देयर मंथली इनकम, सो उनकी मंथली इनकम्स क्या होगी, 400 and 500, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, देखो ज़रा सेकेंड क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, रेशियो ऑफ द प्राइसेज ऑफ टू हाउसेज आर 16:2, दो हाउसेज के प्राइस का रेशियो कितना दिया हुआ है, 16:23। टू ईयर लेटर व्हेन द प्राइस ऑफ द फर्स्ट हैज इंक्रीज बाय 10%, दो साल बाद फर्स्ट का प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, 10%, एंड दैट ऑफ सेकेंड बाय दिस, सेकेंड का प्राइस, एक का तो परसेंटेज में दिया हुआ है, सेकेंड का रुपीज में दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ देयर प्राइसेज बिकम 11:20, उसके बाद उनके प्राइसेस का रेशियो क्या हो गया, 11:20। फाइंड ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द हाउसेज, क्वेश्चन ये है, जो हाउसेज का इनिशियली जो प्राइस था उसका रेशियो हमें 16:23 दिया हुआ है, राइट। अच्छा, तो फर्स्ट हाउस का जो प्राइस है वो हम अज्यूम कर लेते हैं 16x, एंड सेकेंड का हम अज्यूम कर लेते हैं 23x, करेक्ट, दोनों के प्राइसेस हो गए। अब फर्स्ट का कितना इंक्रीज हुआ है, 10%, यानी कि 16x का 10%, सो उसका न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाउस का जो न्यू प्राइस होगा वो होगा 16 प्लस 10% ऑफ 16, 10% का मतलब है 10 अपॉन 100 ऑफ 16x, राइट, ये फर्स्ट हाउस का न्यू प्राइस होगा। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये दोनों जीरो हम कट कर सकते हैं, सो दिस इज 16x, राइट, ओके, सिर्फ एक ही जीरो हमारे पास, ये जीरो कट हो जाएगी, तो 16 प्लस दिस इज 16 अपॉन 10x, ये फर्स्ट
हाँ उसका प्राइस हो गया आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज होने के बाद। अब सेकंड का देखते हैं, सेकंड का कितना है 23x, 23x प्राइस पहले से था और कितना इंक्रीज हो गया 470 रुपीज़। तो अब प्राइस हो जाएगा दिस प्लस 477 रुपीज़, ये उनके नए प्राइस हो गए, राइट। अच्छा सो अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो तो आप ये क्या होगा 16 प्लस 16x था ये, 16x, 16x, 16x प्लस 1.6x, राइट। और दूसरे हाउस का प्राइस क्या है 23x, 23x प्लस 477, राइट। ये हमने इनका रेशियो बना दिया, जो नए प्राइस हैं उसका रेशियो बना दिया। और ये दिया हुआ है 11:20, दिस इज इक्वल टू 11/20, राइट। यहाँ से हमारे पास x में इक्वेशन आ गई, राइट। इस इक्वेशन को अब आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे कि यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं बड़े इजीली। इसके बाद आपकी x की वैल्यू क्या आई हुई है 53, x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से 53, राइट। फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ द हाउसेज, राइट। ओरिजिनल प्राइस क्या था, फर्स्ट हाउस का कितना था 16x, तो वो हो जाएगा 16 × 53, राइट, 16 × 53। और सेकेंड प्राइस, सेकेंड हाउस का प्राइस क्या था 23, इसलिए उसका क्या हो जाएगा 23 × 53, राइट। फर्स्ट का यहाँ से हम देख सकते हैं कितना आया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन आप करोगे तो 848 आ जाएगी आपकी। एंड सेकेंड में क्या आएगी, 1219 आई हुई है। सो इस मल्टीप्लीकेशन से आप को ये प्राइस मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इन व्हाट रेशियो द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए, इफ देयर बी ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन रेशियो दिस, इफ देयर बी ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन रेशियो दिस एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस विल बी दिस, राइट। क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि ओरिजिनली कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने उनके वेजेज हैं, तो लेट एक्स बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर, एक्स बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर, एक्स क्या है ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर है, एंड वाई हर वर्कर का के वेजेज हैं, राइट। तो टोटल वेजेज जो कंपनी को पे करना पड़ेंगे, टोटल वेजेज बिफोर चेंजेस, वो हमारे हो गए नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ वेजेज, एक्स इंटू वाई, करेक्ट। अच्छा अब जो रिडक्शन हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है, 15:11, 15:11 के रेशियो में रिडक्शन हुआ है। हम पीछे पढ़ के आए थे, अगर कोई रेशियो, कोई नंबर a:b के रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो आफ्टर इंक्रीज और डिक्रीज उसकी वैल्यू क्या होगी, b इंटू ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई a, ये होती है, राइट। सो ओरिजिनली हमने क्या अज्यूम किया है, x बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स, और वर्कर्स किस रेशियो में चेंज हुए हैं, 11:15 में, राइट। तो नए वर्कर्स कितने होंगे, नए वर्कर्स होंगे 11/11 × ओरिजिनल वर्कर डिवाइडेड बाई 15, 11 × ओरिजिनल वर्कर डिवाइडेड बाई 15, वही फार्मूला बी टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई ए, राइट। आप पीछे के लेक्चर में ये सुन चुके हैं, आई थिंक आपको आता होगा, अदरवाइज आप एक बार पीछे के लेक्चर्स को अच्छे से सुन लीजिए। सो जो न्यू वर्कर्स है, अब प्रेजेंट वर्कर है वो इतने हैं, राइट। इसी तरह से जो उनके वेजेस इंक्रीज हुए हैं, वेजेस किस रेशियो में इंक्रीज हुए हैं, 22:25 में, तो नए वेजेस कितने होंगे, नए वेजेस ऑफ एवरी वर्कर दैट विल बी 25, 25, दैट इज बी डिवाइड इनटू ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल वेजेस जो हर वर्कर को मिल रहे थे, इनटू वाई डिवाइडेड बाई 22, ये क्या होंगे वेजेज ऑफ एवरी वर्कर, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, वेजेज ऑफ एवरी वर्कर है, ये चेंज्ड वेजेज हैं, नए वेजेज हैं। सो टोटल कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, फैक्ट्री को कितना पे करेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेज ऑफ एवरी वर्कर, एवरेज वेजेज ऑफ एवरी वर्कर, राइट। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, 11x/15, 11x/15, राइट। एंड सेकेंड इज 25/25y/22, राइट। यहां से आप देखिए जरा, 11 से कट कर सकते हैं आप 22, राइट, 5 से 5 3 जा 5 5 जा, सो न्यूमरेटर में आएगा 1 × 5, एंड ये x और y बचे हुए हैं,
सो 5xy, डिनोमिनेटर में हो गया आपका 3 इंटू 2 दैट इज 6, राइट। तो अब जो टोटल वेजेस कंपनी को पे, फैक्ट्री को पे करने होंगे वो क्या होंगे, 5xy अपॉन 6। टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स गेट डिक्रीज फ्रॉम एक्स वाई टू दिस 5xy अप दिस, राइट। अब इन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द रेशियो, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीज और डिक्रीज, राइट, किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो पहले रेशियो क्या था, एक्स वाई। अब कितने, अब तो पहले जो टोटल वेजेस थे सारे वर्कर्स के वो थे एक्स वाई, और अब कितने हैं, 5 is to 5xy is to 6, राइट। अगर एक्स को हम कैंसिल कर दें तो ये क्या आ गया, 6 is to 5, यानी कि जो वेजेस का रेशियो है वो 6 is to 5 का रेशियो है, राइट, 6 is to 5 का। पुराने वेजेस और नए वेजेस का जो रेशियो है वो 6 is to 5 का रेशियो है। सो रेशियो किस, इसी रेशियो में उनको चेंज करना होगा, 6 is to 5 के रेशियो में अगर वो चेंज करेंगे राइट, उनके वेजेस 6 is to 5 के रेशियो में चेंज होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, बहुत बड़े सिंपल क्वेश्चन एक्सरसाइज में, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11 is to 15। और हम पढ़ के आए हैं कि इनवर्स रेशियो, किसी का इनवर्स रेशियो क्या होता है, ए इज टू बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है, बी इज टू ए, राइट। सो 11 is to 15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 15 is to 11। नेक्स्ट वाले में, सेकेंड में, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3 is to 4, रेशियो क्या है, 3 is to 4, इसलिए फर्स्ट क्वांटिटी कितनी होगी, 3x, फर्स्ट क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 3x, और सेकेंड क्वांटिटी क्या होगी, 4x, 3x एंड 4x। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, एंटीसीडेंट क्या होता है, फर्स्ट टर्म 15 है, यानी कि 3x इसके इक्वल है, 3x इज इक्वल टू 15, सो x यहाँ से क्या आ जाएगा, 5, राइट। सो सेकेंड कंसिक्वेंट बताना है, सेकेंड टर्म बतानी है हमें रेशियो की, तो सेकेंड टर्म हमारी 4x, सो 4 into 5 दैट इज 20, सेकेंड टर्म हमारी कितनी होगी, 20 होगी, तो आंसर क्या होगा हमारा, डी, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5 is to 7, रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5 is to 7, इफ कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, राइट, इसका रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज दिस, ये रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो का इनवर्स रेशियो कितना होगा, 7:5, 5 is to 7 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, 7:5, कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, राइट, कंसिक्वेंट जो बाद वाली टर्म है ये कितनी है, 5 है, ठीक है। द एंटीसीडेंट इज, एंटीसीडेंट कितना होगा, देखो ये टर्म अगर 5 है तो डेफिनेटली क्या होगी, 7, कैसे, देखो जरा, क्वांटिटीज हमारी इनवर्स रेशियो में, इनवर्स रेशियो के बाद हमारी क्वांटिटीज इस रेशियो में 7:5 के रेशियो में है, राइट, तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी 7x होगी और सेकंड क्वांटिटी हमारी 5y होगी, सॉरी 5x होगी, एंड ये 5 ही दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 5, सो x यहाँ से क्या आ गया, 1, अगर x 1 आ गया तो 7x की वैल्यू क्या होगी, 7 into 1 दैट इज 7, तो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी क्या हुई, 7। क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज दिस, क्वांटिटीज का रेशियो दिया हुआ है, इफ कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, इसका इनवर्स रेशियो और उसका कंसिक्वेंट 5 दिया हुआ है, राइट, द एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट कितना हुआ, 7, राइट, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कल मैंने आपको कंपाउंडेड रेशियो बताया था कि कैसे होता है, अगर ए इज टू बी एक रेशियो है एंड सी इज टू डी सेकेंड रेशियो है, तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या बनेगा, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज टू बी और डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 3 है, ई इज टू एफ बी है, यहाँ पर ई इज टू एफ बी है, तो यहाँ पर ए सी और ई आ जाएगा, बी डी और एफ आएगा, राइट, ऐसे इस टाइप से आप कंपाउंड रेशियो बना सकते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10, इनका कंपाउंड रेशियो फाइंड करना है, राइट।
सो एक तो ये है कि हम सबकी फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन उसमें क्या होगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में बना लेते हैं सभी को। सो फर्स्ट रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 2/3 इंटू, सेकेंड रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 9/4, थर्ड रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 5/6, फोर्थ रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा 8/10, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट right? सो देखिए जरा, दिस इज नाउ देखिए जरा। तो हम कर रहे थे, टू को इससे कैंसिल कर सकते हैं, फोर एंड टू से ये कैंसिल हो जाएगा फोर, राइट। थ्री को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, राइट, एंड थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर एंड फाइव टू जा टेन, राइट। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा है न्यूमरेटर में, इस टू से टू भी कैंसिल हो सकता है, सारी टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गई, राइट। सो न्यूमरेटर में भी वन बाकी बचा है, डिनोमिनेटर में भी वन, तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। सो इनका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, 1:1। सो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। कल मैंने आपको डुप्लीकेट रेशियो बताया था कि अगर a:b एक रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, खुद के साथ इसका कंपाउंड रेशियो बना दिया जाए, और वो क्या बना था, a²:b², किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, a:b का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a²:b². सो 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होना चाहिए, 3² = 4², दैट इज 9:16, राइट। सी पार्ट हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो, राइट। सब डुप्लीकेट रेशियो बताया था मैंने कल आपको, सब डुप्लीकेट रेशियो अगर 25:36 है, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इनके स्क्वेयर रूट कर दीजिएगा, राइट। ये सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, दैट इज 5:6। ये छोटी छोटी डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन है, या पीछे एक बार डेफिनेशंस को दोबारा से पढ़ लीजिए जहाँ पर रेशियो के बारे में प्रॉपर्टीज लिखी हैं। नेक्स्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट रेशियो a:b का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, a³:b³। सो 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2³:3³, यानी कि 8:27। 8:27 इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ क्या होगा, क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8:27, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, 2:3 इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, राइट। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:3। एक रेशियो हमारे पास है 4:9, तो ये बन गया 4/9, एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो होगा 3² एंड 4² दैट इज 9:16, तो इसको लिखेंगे 9/16। अब इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, राइट। 4 4 जै 16, सो ये आ गया आंसर 1:4, राइट। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, 4:9, 4:9 को लिख सकते हैं 4/9। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 ये हो जाएगा 9/16, राइट। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ दिस, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब, 2³ = 8 एंड
3 क्यूब इज 27, राइट, इन टू नाइन ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। सो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस 9:7, इसका ट्रिप्लीकेट नहीं करना, राइट ये है। सो 9 से 9 कैंसिल हो सकता है, राइट, फोर फोर जा 16, फोर टू जा 8, करेक्ट, एंड नाउ 9 3 जा, सो आपके पास बचा है न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बाकी बचा है एंड डिनोमिनेटर में 7 एंड 3 बचा है, राइट। तो क्या आना चाहिए, 2:21, 2:2, न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचा हुआ है एंड डिनोमिनेटर में 3 एंड 7 बचे हुए हैं, सो 21 हो गया। सो रेशियो आपका क्या, आंसर क्या आपका क्या होगा, 2:21। यहां पर ध्यान रखना है जो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट सिर्फ इस का करना है, इसके साथ तो कंपाउंड करना है, ये सिंपल है, इसका कोई ट्रिप्लीकेट नहीं लेना, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजिंग है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं काफी बचे हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ऑलराइट।